एक बार पूरे आवाज में और जोश में बोलेंगे, बोलिए माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की। अब आइए डायलॉग, तो डायलॉग सुनाने से पहले एक छोटा सा शायरी हो जाए। तो शायरी ये है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में किस तरह से प्यार होता है और किस तरह से आकर्षित होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर। तो एक स्टूडेंट, एक मिनट प्लीज कीप साइलेंट। एक स्टूडेंट टीचर से कहता है, सर इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता। सर इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता, हर एक रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। फना कर दो जिंदगी गुरु के कदमों पर, यही वो रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आइए अब आपके सामने एक बेहतरीन डायलॉग फिल्म क्रांतिवीर से लिया हुआ। तो यह सीन उस जगह का है जब नाना पाटेकर को फांसी लगने जाती है और पूरी पब्लिक इसी तरह उसका तमाशा देखती है, क्योंकि वह एक सच्चा इंसान होता है। जब सच्चे इंसान की फांसी लगती है तो उसका खून उबल जाता है और उसी उबलने की अंदाज में मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या बोलता है नाना पाटेकर, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबानें इसी बाहर आएंगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई आगे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नबर्दंगनी बुजदली एक दिन देश का मौत का तमाशा इसी खामोशी की वजह से देखेगी। ये हमें कुछ नहीं कहना तुमसे, कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम्हारे लाइफ में। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है तुमको, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, जनदार नेताओं की और गुंडों की, धर्म के नाम पे ये तुम्हें भगाते हैं, तुम एक दूसरे गले काटते हो। अरे काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, तुमसे भी शर्म आती होगी, वो भी सो भी सोचता होगा कि हमने खूबसूरत चीज बनाई तो इंसान, इंसान देखा तो साले सब कीड़े बन गए, कीड़े, रेंगते रहो सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशें, किसे जगाती हुआ, मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ। लेकिन सुकून है, तुम्हारी ये खामोशी एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये वर्दी वाले कानून वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते समय तुम्हारा ईमान कहाँ गया था, बाहर में। ये छोटा मेरा विदेशी मुल्क जो आने वाले कल में शायद दुनिया के अपने नक्शे को भी नहीं देख पाएगा, एक बात भूल रहा है, जो उसके घर में रोटी पकती है ना, वो भी साला विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं, वे सपना देख सकते हैं क्योंकि उनको पता है ये मुर्दों का देश है, यहाँ पे किसी को वतन के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इसे तोड़ना एकदम आसान है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैंने बचपन में पढ़ा था, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैं क्यों बता रहा हूँ, पागल हूँ, भूसा भरा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से। और आजो, और आजो, आज क्रांति के राह पर एक और कुत्ते की मौत बनने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें का, हम तो इसी तरह जियेंगे, जियो भाई जियो, चाहे जैसे चाहिए वैसे जियो, हम तो जियेंगे तो भी शान से, मरेंगे तो भी शान से। आइए एक नेक्स्ट भोजपुरी शायरी, एक भोजपुरी शायरी है, एक स्टूडेंट पहली बार जब आता है कॉलेज तो उसके मन में क्या ख्याल आता है, वो सोचता है पहली बार तो चलना है हम ऐसे कॉलेज में, पहली बार तो हम लड़की पढ़ाएंगे, बाद में कोई काम करेंगे। तो क्या कहता है, एक लड़की को बार बार देखता है, लड़की भाव मारती है, तो वो कहता है, चेहरा सुंदर होके तो छुपावल ना जाला, चेहरा सुंदर होके तो छुपावल ना जाला, चाहे वाला कि ऐसे सतावल ना जाला, नजरिया न सबके पसंद करेला, अपना आशिक के ऐसे रोआवल ना जाला। दीवाने हैं आपके इस बात का इंकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी अदाओं का, अकेले हम भी गुनहगार नहीं। एक लड़की एक लड़के को बुलाती है, तो लड़का कहता है हम नहीं आएंगे, हमको पढ़ने जाना है एमसी सक्सेना में। तो कहती है कि अगर तू ना आईबा तो हम मर जाए, तो लड़का बोलता है कि तू मर जाइबू तो हम जियब कैसे, तू मर जाइबू तो हम जियब कैसे, है फाटल करेजुआ के सीयब कैसे, तू तो चाँद के सुराही हो ढरकबू ना तो हम पियब कैसे। दोस्तों आइए एक बेहतरीन माननीय एमसी सक्सेना जी ने एक बहुत गजब की बात कही है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। Thank you.